अभियान, अगर आप आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स या फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट या फिर आयुष विभाग आयुर्वेदिक या फिर किसी भी राज्य के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आयुर्वेदिक के लिए, तो बहुत सारे मैसेज आप सभी के आ रहे थे कि किस तरह से हम आपकी क्लासेस लेते हैं और क्लास लेने के बाद जो आपका टेस्ट है उसका शेड्यूल क्या रहता है और किस तरह से आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं, आप अपना रैंक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो आपको फाइनल में कम्पीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है उसके बाद आपका टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वैशर्ज्य कल्पना के हमने 3 से 4 लेक्चर्स अटेंड किए, ठीक है, और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर हमें देखने को मिला है और टेस्ट भी बच्चों ने बहुत अच्छे से लगाया है। तो यही होता है कि जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है और उसके बाद जब आपके टेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है कि आप कितने पानी में है, कितना आपको समझ आया, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, टेस्ट का लिंक है यहाँ पर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, राम डाल दिए मैंने, ठीक है, यहाँ पर राम डाल दिया। ठीक है, अब लास्ट का मोबाइल डिजिट आपको डालना होता है जो 5 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और यहाँ पर टाइम भी चलता रहता है। ठीक है, क्लियर, तो इतने टाइम से पहले पहले आपको ये टेस्ट जो है वो सबमिट करना होता है। अब आपका क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि क्या ये टेस्ट मैं बार बार लगा सकता हूँ। देखिए, जब आपका पहला टेस्ट होता है, पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका ग्राफ टेस्ट बनाया जाता है। उसके बाद अपने सेल्फ टेस्ट के लिए आप चाहे एक बार इस टेस्ट को अटेंड करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 25 बार करो, 100 बार करो, ठीक है, जितनी बार आपने अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे आपके रैंक के लिए। ठीक है, और अपनी सेल्फ स्टडी के लिए तो आप जितना मर्जी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहती है। और एक और सवाल रहता है कि क्या ये टेस्ट जो वो कभी बंद हो जाते हैं क्या, मतलब इनका कोई ड्यूरेशन रहता है टेस्ट का? जी नहीं, ये लाइफ टाइम आपके पास टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये सारे के सारे टेस्ट रहेंगे। ठीक है, जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, घर बैठे आप ये सारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, DRX मैम नेहा शर्मा जी आपकी क्लासेस ले रही हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, जो आपको करवाया जा रहा है अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे फिर आप उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, NIA की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी आयुर्वेदिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जैसे आप टेस्ट को सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आपको अपना ग्राफ पता चलता है, आपको अपना परसेंटेज पता चलता है, आपको अपना टोटल मार्क्स पता चलता है, आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलता है, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ये सारी जानकारी आप जैसे टेस्ट को सबमिट करते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है, कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके बाद जब आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको अपने आप को चेक करने का एक मौका मिल रहा है। ठीक है, और यही क्राइटेरिया आपके सभी सब्जेक्ट्स में रहने वाला है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी, ये रोल प्ले करेंगी। ठीक है, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है और अभी तक नहीं की हैं तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि देखिए आयुर्वेद का टीचर मिलना बहुत मुश्किल है, पहली बात तो ये। अगर कहीं ऑफलाइन जाएंगे, ठीक है, 25 से 30 हज़ार रुपये फीस लगेगी। ठीक है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट का खर्चा और रूम रेंट का खर्चा अलग से होगा। ठीक है, तो अगर हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, घर बैठे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, घर बैठे आप क्लासेस लगा सकते हैं, घर बैठे ये सारे टेस्ट लगा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जितनी बार देखिए, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जल्द से जल्द आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आयुर्वेद का टीचर मिलना, अभी मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद के टीचर्स की जो सैलरीज हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा हाईफाई सैलरीज रहती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको अपने गांव में शहर में तो मुश्किल है, आपको बड़े ही शहरों की तरफ फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो घर बैठे अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है,
तो आप इसका फायदा उठाइए जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप करिए और क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको इसमें मॉक पेपर हो गए, मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गया, एनालाइज क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी आयुर्वेदिक के लिए क्लासेस ज्वाइन करनी है वो अभी हमें व्हाट्सएप कर सकता है। धन्यवाद।